किंगडम फंजाई, हम किंगडम फंजाई स्टार्ट करने वाले हैं और ये पार्ट का क्रेडिट जाता है आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे बहुत कमेंट किया। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे प्रियंका रजोरा, अंजलि वर्मा, देवांश सिंह, महेंद्र सिंह, फिर पूजा वर्मा, अखिलेश सिंह, महेंद्र प्रताप, रमेश नागर, दिनेश मौर्या एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया कि सर आप प्लीज़ आगे के टॉपिक पे वीडियो बनाइए, फंजाई पे वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है और वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिएगा, और अगर आपको कोई पार्ट समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा और वहाँ पे मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो को पूरा ऑनलाइन देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंजाई क्या होता है। फंजाई का मतलब होता है एक ऐसा पौधा जो ना हरा होता है और ना ही उसमें कोई फूल और पत्ते लगते हैं। फंजाई एक ऐसा पौधा होता है जो ना ग्रीन कलर होता है उसका रंग, और ना ही उसमें कोई फूल और पत्ते लगते हैं, ठीक है। या अगर इसको आपको समझना है तो ये एक गीले चूरन जैसा होता है और ये जो है पाया जाता है लकड़ियों पे और खाद्य पदार्थ जैसे कि गोबर वगैरह हो गया, इन सब जगह पे पाया जाता है, ठीक है। फंजाई का मतलब समझ में आया, ये एक तरीके का पौधा होता है जो ना ग्रीन कलर का होता है और ना ही इसमें कोई फ्लावर्स लगते हैं। अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में, ठीक है। किंगडम फंजाई, तो हमने पहले बहुत कुछ पढ़ लिया था किंगडम बैक्टीरिया वगैरह के बारे में, मोनेरा वगैरह के बारे में। अब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई। द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक साथ एकजुट होके एक यूनिक किंगडम बनाता है, एक सबसे अलग जो है किंगडम बनाता है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये मार्क कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने मोनेरा में भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया में जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। तो वैसे ही किंगडम फंजाई में सबसे ज़्यादा जो है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है दूसरों पे, हेट्रो का मतलब होता है दूसरों पे, दूसरों पे, और ट्रॉपिक का मतलब होता है निर्भर होने वाला, यानी यानी वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे निर्भर होते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक में बहुत सारे आते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों से अपना फूड लेके खाएं, चाहे वो उसको मार के खाएं चाहे वो उससे रिलेशनशिप में खाएं, वो आगे आपको पता लगेगा इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। फंजाई शो करता है बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसका मतलब यह है कि फंजाई जो है एक साथ इनकी बहुत सारी जो है विविधताएं, इनकी प्रजातियों की बहुत सारी अलग अलग विविधताएं हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब फंजाई जो है दिखने में अलग अलग कलर की हो सकती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकी मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। ऐसे इनका हैबिटेट, हैबिटेट होता है आवास, कहाँ वो रहते हैं वो भी अलग होता है, ठीक है। जैसे कोई फंजाई मान लीजिए बहुत जो है मॉइस्ट प्लेस पे एकदम नमी में पाई जाएगी, कोई फंजाई जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में पाई जाएगी, तो ऐसी ऐसी जगह में ये फंगस पाए जाते हैं, ठीक है। व्हेन योर ब्रेड डेवलप ए मोल्ड और योर ऑरेंज रोट, इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। अब देखो आपको थोड़ा सा फंजाई समझाने के लिए और थोड़ा सा इन्होंने इलेबोरेट करा है। आपने देखा होगा अधिकतर रेनी सीजन्स में या फिर कभी गर्मी में आपकी जो ब्रेड होती है या रोटियां होती है उन कुछ दिनों बाद वो बासी हो जाने के बाद उस पर सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ लग जाता है, तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद सा जो लगता है पार्टिकल वो एक फंगस होता है और उसको हम बोलते हैं माउथ, ठीक है। और ऐसे आप जैसे आपका जो संतरा सड़ जाता है उस पर भी सफ़ेद सफ़ेद सा पार्टिकल धब्बा धब्बा सा लगता है, वो भी एक फंगस है, ठीक है। ये इसलिए सड़ता है ये फंजाई के वजह से, इतने इन्होंने ये बोला है, ठीक है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो ए फंजाई। आपने कभी मशरूम की सब्जी खाई है, तो वो जो मशरूम है हम जिन जिसकी हमने सब्जी खाई है वो भी एक तरीके का फंगस है, ठीक है, जो हमने खाया है। टोड स्टूल, टोड स्टूल क्या होता है, कुकुरमुत्ता, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी बात कर रहा है, ये भी एक तरीके का फंगस है, ठीक है, ये एक फंगस है। आर आल्सो फंजाई। अब देखो
पहले ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो, क्योंकि फंजाई जो है यूनिक किंगडम है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरी लाइन जो मैं आपको बताऊंगा वो अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। वाइट स्पॉट सीन इन मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस, जो अगर आपने देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा, जब सरसों का खेत के अंदर, जो सरसों के खेत के अंदर सरसों का प्लांट होता है, उसकी पत्तियों पे आपको सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे दिखते हैं, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उस पर एक फंगस लग जाती है जो कि पैरासिटिक फंगस होती है। पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों की बॉडी के अंदर घुस के, दूसरों की बॉडी के अंदर घुस के अपना न्यूट्रिएंट, अपना फूड लेते हैं। तो फंजाई में बहुत तरीके की कैटेगरी होती है। पैरासाइट होती है, आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पैरासाइट होती है, सेप्रोफाइट्स होती है और सिम्बायंट होती है। अभी आपको आगे पूरा डिटेल में यहाँ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस, जो दाग धब्बे जो है, सफ़ेद जो दाग लग जाते हैं मस्टर्ड की, सरसों की लीव पे, वो पैरासिटिक फंगस के वजह से, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है मस्टर्ड से रिलेटेड, पूछ लेता है कि ये बताइए कि पैरासिटिक फंजाई जो है मस्टर्ड के ऊपर, वो उसका नाम क्या है? तो उससे क्वेश्चन आता है और उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एल्बुगो है एक पैरासिटिक फंजाई जो क्या काउस करती है, जो मस्टर्ड के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में रहती है। तो ये आप नीट लिख लीजिए और इससे क्वेश्चन आता है। और एक बात और, प्लीज़ आपके पास अगर हाइलाइटर हो तो जो पॉइंट मैं मार्क करा रहा हूँ आप ऐसे हाईलाइट करिए जैसे मैंने इस बुक के अंदर कर रखे हैं, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया कि जो फंजाई थी पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड के ऊपर, उसका नाम क्या है? एल्बुको, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं आपको याद रहने के लिए, ठीक है। अब देखो, जो अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम यूनिसेलुलर फंगस एग्जाम्पल ईस्ट, ये क्वेश्चन तो नीट में आया हुआ है, यहाँ पे आप लिख लीजिए नीट स्पेशली। यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है? तो ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? सेक्रोमाइसिस सर्विकस सर्विकस। ये ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसका साइंटिफिक नेम है सेक्रोमाइसिस सर्विकस। इससे क्वेश्चन आता है और ये आपको अभी फंजाई के किंगडम के अंदर देखने को मिलेगा, और ये क्लास 12th में भी है, चैप्टर 10 माइक्रोब्स के अंदर। तो ये आप याद करके रखिएगा, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, ये बताइए यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है, तो यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, ये बताइए कि ईस्ट का यूज़ क्या होता है। तो ईस्ट का जो है यूज़ होता है बेकरी के अंदर, जब हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं बेकरी में तो ईस्ट डाला जाता है। दूसरा यूज़ होता है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, जब आप इसमें अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, दारू शराब, तो उसमें ईस्ट का यूज़ होता है। तो पहला जो यूज़ होता है अल्कोहल में, और दूसरा यूज़ होता है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए बेकरी में, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए लिखा भी हुआ है, ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो ये वाला पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, और इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन नीट में आया हुआ है और आएगा भी, ठीक है। अदर फंजाई काउज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। बहुत सारी फंजाई है जो हमारे इकोनॉमिकल यूज़ के लिए भी होती है, और बहुत सारी है जो डिसयूज़ के लिए भी होती है, ठीक है। अब जैसे इसमें बताया गया है कि कुछ फंजाई जो डिजीज़ काउस करती है, जो बीमारियां पेड़ पौधों में लगाती है, तो इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको प्लीज़ हाईलाइट करिएगा। पहला क्वेश्चन ये आया था कि वीट रस्ट कौन सी फंजाई काउस करती है। अभी इनके बाद मैं आपको सीधा क्वेश्चंस पे ले चलूँगा, ताकि आपको भी आप मोर रिलेट हो सकें कि क्वेश्चंस कैसे आए थे नीट के अंदर, ठीक है। तो वीट रस्ट कौन सी फंजाई काउस करती है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। वीट रस्ट काउस करती है पक्सीनिया। कौन सी फंजाई काउस करती है? पक्सीनिया, ठीक है। पक्सीनिया जो है एक फंगस है, पक्सीनिया एक फंगस है जो कि वीट, वीट का मतलब जो होता है गेहूं के अंदर, वो है एक रस्ट काउस करती है, ठीक है। इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। कुछ एंटीबायोटिक के लिए भी फंजाई यूज़ की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। एंटीबायोटिक फंजाई कौन सी होती है? पेनिसिलियम एक ऐसी फंजाई है जो यूज़ होती है, जिसका यूज़ होता है एंटीबायोटिक के लिए,
और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूज़ हुई थी पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के रूप में, ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। अगर आपसे पूछे मल्टी सेलुलर फंजाई कौन सी है, मल्टी सेलुलर फंजाई तो आप बताइएगा मल्टी सेलुलर फंजाई है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। और इसका काम क्या है, ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ होती है, एंटी बायोटिक के रूप में यूज़ होती है। आप मार्क कर लीजिए जो पॉइंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसको डिस्कवर किसने किया था, ये एम्स में पूछ लेता है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब आपने तीन चार पॉइंट प्लीज आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि वीट रस्ट कौन सी फंजाई काउस करती है, पक्सीनिया काउस करता है, ठीक है। पक्सीनिया एक फंगस है। वैसे यूनिसेलुलर फंगस कौन सी है, ईस्ट। मल्टीसेलुलर फंगस कौन सी है, मल्टीसेलुलर फंगस है पेनिसिलियम, जो कि एंटीबायोटिक है फर्स्ट, ठीक है। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सोयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब ऐसी जगह, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब फंजाई हर जगह रह सकते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो जमीन सोयल हो, मिट्टी, और चाहे वो एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर, सबके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। अब फंजाई कहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर, फंजाई उगते कहाँ हैं ये बताया गया है। फंजाई ग्रो होता है, ये क्वेश्चन भी नीट में आता है, और इसको आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। फंजाई ग्रो होते हैं इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे, ठीक है। फंजाई ग्रो होते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे। वार्म का मतलब होता है ऐसी जगह जो गर्म तो हो लेकिन उसके साथ नमी भी हो, तो वो वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि रेनी सीजन्स में अगर आप रोटी वगैरह रख दो तो उस पर जल्दी जाके फंगस लग जाती है, तो फंगस ज़्यादा वहीं पाई जाती है जब गर्मी हो और वहाँ पे ह्यूमिड नमी भी हो उस एरिया में। समझ में आया। हैव यू एवर वंडर वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब देखो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है साइंटिफिक, कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार आप अपना खाना जो है रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हो, क्यों रेफ्रिजरेटर में आप रखते हो अपना फूड। तो रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं ताकि वो खाना सड़े ना और ख़राब ना हो और उस पर फंगस ना लगे। तो ये बता रहा है यस, इसने बोला यस, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोज टू बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन। अगर खाना जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा बिना किसी सेफ्टी के, तो उसमें एयर पार्टिकल मिक्स होंगे और हवा में बहुत सारे जो है डिजीज़ फैलती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं हवा में, फंगस होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी जो है चीज़ें उस खाने पे लगेगी और खाने के अंदर वो खाना सड़ जाएगा और हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे और एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, अब देखो बोल रहा है ईस्ट का एक्सेप्शन छोड़ के, विच आर यूनिसेलुलर फंजाई। मैंने आपको पहले ही बताया था ईस्ट क्या है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, दोबारा इसने बोला, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। आर फिलामेंटस देयर बॉडी कंसिस्ट ए लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपे। हाइपे क्या होता है, कह रहा है कि ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंजाई है और ये जो है फिलामेंटस है, फिलामेंट का मतलब होता है इसमें धागे होते हैं, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ए लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसे कह रहा है कि ये ईस्ट जो है एक फिलामेंटस फंजाई है, ठीक है। इसकी बॉडी कंटेन करती है लॉन्ग, लंबा सिलेंडर तरीके का एक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपे, हाइपी, हाइफे, ठीक है, समझ में आया। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ, दूसरा क्वेश्चन ये था हाइपे, द नेटवर्क ऑफ हाइपे इज नॉन एज माइसीलियम। अब ये देखो बहुत सारे हाइपे, इसको हम बोलते हैं हाइपे, ठीक है। अब ये इसके अंदर ना कुछ कुछ न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जब हाइपे मिलते हैं, ऐसे जब बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। देखो लिखा भी है कि द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नॉन एज माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, हाइफे का जो नेटवर्क होता है, बहुत सारे जब फिलामेंटस जो है यूनिसेलुलर फंजाई या बहुत सारे फिलामेंटस फंजाई जो है आ जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेती है बहुत सारे कंटिन्यूस, उसको हम बोलते हैं क्या, माइसीलियम। अब देखो कुछ हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लेटेड साइकोप्लाज्म,
अब कह रहा है। अब ये जो हाइपे होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे ही रहेगा, ये सिंपल रहेगा हाइपे, इसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, साइटोप्लाज्म भरा होगा। और दूसरा होगा, एक हाइपे ऐसा होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा, लेकिन हर जगह एक डिवीज़न होगा, पार्टीशन होगा, जिसमें हम बोलते हैं, जिसको हम सेल वॉल, एक में होगा सेल वॉल और एक में सेल वॉल नहीं होगा। जिसमें सेल वॉल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एसेप्टेट, क्योंकि एसेप्टेट का मतलब होता है सेल वॉल नहीं होना, ए का मतलब होता है नहीं होना, या हम बोलते हैं सीनोसिटिक, सीनोसिटिक, ठीक है, CENOCYTIC, सीनोसिटिक, ठीक है। और जिसके अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है और माइस न्यूक्लियस वगैरह सब होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और दूसरा जो है, जिसके अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सब होता है लेकिन उसमें एक पार्टीशन होता है, सेल वॉल होता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टेट, सेप्टेट माइसीलियम या सेप्टेट हाइपे, और इसको हम बोलते हैं सेप्टेट माइसीलियम, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, हमने ये सब पढ़ लिया था और हमने पढ़ा था नेटवर्क ऑफ हाइफे इज एस माइसीलियम। ये पॉइंट प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या होता है, माइसीलियम कहलाता है, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। कुछ हाइफे जो है कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड होते हैं विद मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म, कुछ हाइफे जो है कंटिन्यूस ट्यूबली फिल्ड होते हैं जिसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। और इसमें बोला है दीज आर कॉल्ड सीनोसेटिक हाइपे और अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल, मतलब मैंने आपको यही बताया दो तरीके के हाइपे होते हैं, जो कि एकदम जिसमें ट्यूब फिल्ड हो, ये ट्यूब है इसके अंदर सारा फिल्ड हो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और इसमें कोई सेल डिवीजन पार्टीशन नहीं होगा, तो इसको हम एसेप्टेट बोलेंगे या सीनोसेटिक हाइपे बोलेंगे, इससे क्वेश्चन आया होगा, इसको आप मार्क कर लीजिए। और दूसरा जो होता है जिसमें सेल वॉल हो उसको हम बोलते हैं सेप्टेट या क्रॉस वॉल हाइपे भी बोलते हैं, सेप्टेट या फिर हम क्रॉस वॉल भी बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं इन देयर हाइपे, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ चाइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड, ये अगर आपके पास हाइलाइटर है तो प्लीज़ आप इसको, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, किसकी, काइटिन और पॉलीसेक्राइड दो कंपोनेंट की बनी होती है। अगर आपसे दोनों पूछेगा तो काइटिन और पॉलीसेक्राइड आप दोनों टिक लगाइएगा, अगर आपसे दोनों में से एक ऑप्शन पूछे तो आप काइटिन को टिक लगाइएगा, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। अब देखो बोल रहे हैं मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा हेटरोट्रॉपिक होते हैं, और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं फंजाई भी सबसे ज़्यादा हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, देखो मैंने आपको ये बताया था कि फंजाई जो है हेटरोट्रॉपिक होते हैं, और हेटरोट्रॉप में देखो बहुत सारी कंडीशंस आती है, कुछ फंजाई जो है हेटरोट्रॉप होने के बावजूद जमीन के अंदर से जो है अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, जमीन के अंदर से जो है अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, डेड सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं जमीन के अंदर से, वो थे सेप्रोफाइट, जो दूसरों को मार के खाते हैं या दूसरों की बॉडी के अंदर से जो है अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं, वो होते हैं पैरासाइट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेप्रोफाइट के बारे में, बोल रहे हैं मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स वो फंजाई होती हैं जो जमीन के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को ले के प्राप्त करें, ठीक है, खाएं। और दूसरा जो होता है पैरासाइट क्या होते हैं, दोस्त जो डिपेंड करते हैं ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल के ऊपर, मतलब लिविंग प्लांट्स और एनिमल के ऊपर जो डिपेंड करते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जांपल, हमारी बॉडी के ऊपर जब लीच होती है वो क्या होती है, एक पैरासाइट है, हमारा खून चूस करती है, खून चूसती है, तो वो एक पैरासाइट है, हमारी बॉडी के ऊपर वो डिपेंड है, ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स की बॉडी पे डिपेंड होती है, ठीक है। और कुछ फंजाई जो होती है वो क्या करती है, साथ साथ खाना बनाती है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, दे कैन ऑल्सो लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गे एस लाइकन एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट माइकोराइजा, इससे क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए और मार्क कर लीजिए यहाँ पे नीट। माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या होता है, जब कुछ फंजाई ऐसी होती है
जो हायर प्लांट के साथ मतलब प्लांट्स के साथ मिलकर खाना बनाती हैं। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो हायर प्लांट के साथ मिलकर खाना बनाते हैं। ये आपको C4 प्लांट ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता है, और माइको का मतलब होता है फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट। अगर ऐसे क्वेश्चन आए, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, माइको का मतलब होता है फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट। तो कुछ फंजाई ऐसी होती है जो हायर प्लांट ऑफ रूट से मिलकर खाना बनाती है। अब इनके इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था, ये नीट के अंदर आया था, 1996 का क्वेश्चन है। माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब एज, तो माइकोराइजा क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट। फंजाई और जो रूट है हायर प्लांट की, वो दोनों सिम्बायोटिक का मतलब होता है मिलकर खाना बनाए, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है क्या? फंजाई। अगर आपको याद ना हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। को का मतलब है मिलकर और राइजा का मतलब होता है रूट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? अभी जितना हमने पढ़ा है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियर करवा रहे हैं। जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जो नीट के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही आया था कि ब्लैक स्टम रस्ट ऑफ वीट इज काउज बाई। अब यही पूछ रहा है वीट रस्ट कौन काउज करता है? पक्सीनिया वीट रस्ट काउज करता है। और ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, प्लीज़ आप हाईलाइट करके चलिएगा कि वीट रस्ट पक्सीनिया काउज करता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको दिखेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पता लग गया कि वीट रस्ट कौन काउज करता है? पक्सीनिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो कि इस उस पार्ट से आया हुआ है। देखिए सेम यहाँ पे भी वही क्वेश्चन मिल गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रॉन्ग पेयर ऑफ डिजीज इज एक्चुअल काउज ऑर्गेनिज्म। तो देखो यहाँ पे भी देखो हमें रॉन्ग बताना है, लेकिन देखो ये पॉइंट भी वही मिल गया कि वीट रस्ट कौन काउज करता है? पक्सीनिया। पक्सीनिया इसका साइंटिफिक नेम है ग्रामिन्स, ठीक है, ये पूरा साइंटिफिक इसका नेम है। तो यहाँ पे भी वो पॉइंट हमें रिपीट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको गो थ्रू हो जाए, आपको भी समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं नीट के अंदर। एक और क्वेश्चन हमें अब यही मिल गया इसी से रिलेटेड, पक्सीनिया क्या काउस करता है? पक्सीनिया भैया वीट रस्ट काउस करता है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो जो मैंने आपको बोला है वो आप हाईलाइट करके चलिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया देखिए इसी से कि ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कौन काउज करता है? तो भैया ब्लैक रस्ट ऑफ वीट आपने चार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसी कैटेगरी का, पक्सीनिया काउज करता है। तो मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे और आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर तीन तरीके के रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यो फंजाई के अंदर बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, बाई फीजन होता है और बडिंग के द्वारा होता है। ये सब मैंने आपको क्लास 12 चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ाया है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? किसी भी एक फ्रेगमेंट का टूट कर नया ऑर्गेनिज्म बनाना। फीजन क्या होता है? एक से दो बनना, अमीबा में होता है। बडिंग क्या होता है? बडिंग होता है हाइड्रा में होता है, एक छोटा सा पार्ट निकल कर न्यू प्लांट फॉर्म करें। और फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? लिजर्ट में। और अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर के द्वारा होता है। बात करते हैं स्पोर क्या होता है, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। स्पोर छोटी सी सेल की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा मतलब स्पोर एक छोटा सा ऐसा गोल तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट के ऊपर पाया जाता है, प्लांट से निकलता है, और ये स्पोर जो है आगे जाके एक नया प्लांट बनाते हैं। समझ में आया? अब देखो स्पोर से कौन कौन से पाए जाते हैं। कोनिडिया स्पोर पाया जाता है फंजाई के अंदर, दूसरा स्पोरेंजियो स्पोर पाया जाता है, तीसरा जू स्पोर पाया जाता है। जो जू स्पोर है वो मोटाइल होता है। जू स्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है। या तो कोनिडियो स्पोर पाया जाएगा, या स्पोरेंजियो स्पोर पाया जाएगा, या जू स्पोर पाया जाएगा, इनमें से कोई एक स्पोर पाया जाएगा फंजाई के अंदर। और ये जो स्पोर होता है जू स्पोर, जू का मतलब होता है चलना, जू का क्या मतलब होता है? चलना। जू स्पोर क्या होता है? जू स्पोर मोटाइल स्पोर है, ठीक है, समझ में आया? एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई ओ स्पोर, एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर। मैंने आपको ए सेक्सुअल बता दिया और आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता दिया। बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊ स्पोर से होता है, एस्को स्पोर से होता है, बेसिडियो स्पोर से होता है। आपने एल्गी में पढ़ा था आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ऊगैमी, तो वैसे ही इसमें भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊ स्पोर से होता है, एस्को स्पोर से होता है और बेसिडियो स्पोर से होता है।
ये क्या होते हैं, ये स्पोर होते हैं जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ये स्पोर प्रोड्यूस करता है फंजाई, और इनके द्वारा इनके माध्यम से ये जो है न्यू प्लांट या न्यू फंजाई जो है प्रोड्यूस करता है, अगर ये फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा फंजाई तो क्या प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, या तो जू स्पोर प्रोड्यूस होगा, या स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस होगा, या कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस होगा। और अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से अगर फंजाई प्रोड्यूस हुआ तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, फिजन से होगा, या वडिंग से होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आपको समझाने के लिए। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये सारे स्पोर्स जो है जो पैदा होते हैं, एक अलग तरीका का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा, सर फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है। फ्रूटिंग बॉडी एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ऐसे सर्कल टाइप में, और इसके अंदर से जब ये फूटती हैं, जब ये फूटेंगी तो इसके अंदर से स्पोर प्रोड्यूस होता है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर होता है, और जब ये फ्रूटिंग बॉडी जो है डिसोसिएट होती है तो इनसे स्पोर निकलता है, और इन स्पोर से एक नया प्लांट या न्यू फंगस क्या होगी, जनरेट होगी या ग्रो होगी। इतना समझ में आया? अब देखो यही बोला गया है, द वेरियस स्पोर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये सारे जो स्पोर पैदा होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी मतलब बंच ऑफ मल्टी सेलुलर सेल होती है जो टूटने के बाद स्पोर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। देखो जो फंजाई के अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व है, पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, तीसरा मियोसिस। पहला पढ़ लेते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या होता है, प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म का मिलना, फ्यूज होना का मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होना या मिलना, चाहे वो या तो वो 2 मोटाइल गैमिट होगा या 2 नॉन मोटाइल गैमिट होगा। अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए ये 2 नॉन मोटाइल गैमिट है। नॉन मोटाइल इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर फ्लैजिला नहीं है। अगर इनके ऊपर फ्लैजिला होगी, जैसे अगर ये गैमिट है और इनके ऊपर ये फ्लैजिला है, तो ये मोटाइल होगा। इनके ऊपर फ्लैजिला नहीं है तो ये नॉन मोटाइल गैमिट है। ठीक है, और इन दोनों का जो मिलेगा, ये दोनों गैमिट जो है मान लीजिए हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है जो क्रोमोसोम नंबर जो है इनमें रिमेन है। ठीक है, ये रिडक्शन डिवीजन में अभी नहीं गया है। तो हैप्लॉइड का मतलब मान लीजिए, ठीक है, ये मोटाइल गैमिट है। ठीक है, ऐसे ही जब दो जो है गैमिट मिलेंगे, ये दोनों गैमिट हैप्लॉइड है, जब ये दोनों गैमिट मिलते हैं तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, इनका प्रोटोप्लाज्म मिलेगा तो वो प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। ठीक है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, और जब ये मिलेगा तो प्लाज्मोगैम ही कहलाएगा। ठीक है, ये एन है और ये एन है। जब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये गैमिट कैसा बनेगा, डाइप्लोइड। डाइप्लोइड यानी 2n, अभी आपको आगे पता लगेगा। ठीक है, अब बोला है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लिया या न्यूक्लियस आप लिख सकते हो। जब 2 न्यूक्लियस मिलेगा तो क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। क्या कहेंगे इसको, जब 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। मान लीजिए ये दोनों सेम सेल थी, इसका जो न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस, जब ये दोनों मिलते हैं, ये न्यूक्लियस जब मिलेंगे, ये जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो इस स्टेप को हम बोलेंगे क्या, कैरियोगैमी। ठीक है, अगर जब प्रोटोप्लाज्म मिले तो प्लाज्मोगैमी, जब 2 न्यूक्लियस मिलेंगे तो कैरियोगैमी कहलाएगा। ठीक है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। बोला है मियोसिस जो है, अब ये देखिए, जब ये दो सेल मिली, ये दोनों सेल मिली, इन दोनों सेल ने मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोला हमने, जाइगोट। ये सेल हैप्लॉइड थी, एन नंबर की थी, ये भी सेल एन नंबर की थी, इन दोनों ने मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया जाइगोट। एन प्लस एन कितना बना, 2n, एक स्ट्रक्चर बना, और इस 2n के अंदर, इस जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस से कितने स्पोर प्रोड्यूस होंगे, 4 स्पोर प्रोड्यूस होंगे, कितने, 4। ठीक है, यही बोला गया है। तो पहले क्या बोला, प्लाज्मोगैमी है, प्लाज्मोगैमी में दोनों मिले इसके प्रोटोप्लाज्म, और कैरियोगैमी में 2 न्यूक्लियस मिले,
और म्यूसिस के अंदर जब न्यूक्लियस मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जाइगोट, जो कि आपने पढ़ा है। जाइगोट के अंदर म्यूसिस होती है, म्यूसिस के बाद जो है बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और ये सारे स्पोर जो है फ्रूटिंग बॉडी से निकलकर प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तीन स्टेप जो हमने पढ़े थे हम कॉपी में आपको समझाते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहला था प्लाज्मोगैमी, पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है ये दो गैमेट है, इनके बीच के अंदर मान लीजिए इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, ये मान लीजिए बाहर प्रोटोप्लाज्म है, और ये जो सेंटर में आपको पॉइंट दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म जो है फ्यूज़ होगा, सिर्फ इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, न्यूक्लियस ऐसे के ऐसे ही रहेगा। इस स्टेप को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है न्यूक्लियस फ्यूज होना। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। कैरियोगैमी न्यूक्लियस का फ्यूज होना। दो सेल थी जो कि हैप्लोइड थी, ठीक है, हैप्लोइड मतलब एन एन सिंगल सेल थी। जब ये दोनों जो सेल है इनके अंदर का मटेरियल क्या है, न्यूक्लियस। जब ये न्यूक्लियस फ्यूज होगा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म तो हमारा पहले ही फ्यूज हो चुका है, अब बात करते हैं सिर्फ न्यूक्लियस जब फ्यूज होगा। इसके बाद पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, अब न्यूक्लियस जब फ्यूज हुआ उस स्टेप को हमने बोला कैरियोगैमी, और न्यूक्लियस फ्यूज होने को हमने बोला कैरियोगैमी। ठीक है, और ये दोनों सिंगल सेल थी एन एन, और ये जब मिलके क्या बनाएगी, डाइप्लोइड सेल। ठीक है, कैरियोगैमी के बाद तीसरा स्टेप आता है मियोसिस। ये जो डाइप्लोइड सेल बनी हमारी, टू एन सेल बनी, इसके अंदर जो है रिडक्शनल डिवीजन होगी या मियोसिस होगी, और इसके अंदर जब ये डिवीजन होगी जाइगोट के अंदर, ये सेल के अंदर डिवीजन हुई तो चार तरीके के स्पोर बनेंगे, चार स्पोर बनेंगे, और बाद में ये स्पोर क्या बनाएंगे, न्यू फंजाई। ये चारों स्पोर क्या बनाएंगे, नए फंजाई। ठीक है, समझ में आया आपको क्या, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी में आपको बताया, फिर आपको कैरियोगैमी बताया, और आपको मियोसिस बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर की ओर। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लोइड हाइपे ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। मतलब कह रहा है कि जब एक फंगस जो है, मान लीजिए एक फंगस ने रिप्रोड्यूस करा सेक्सुअली, तो जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहेगा तो इसके जो दो हैप्लोइड हाइपे है, एक ये हैप्लोइड हाइपे है और एक ये हैप्लोइड हाइपे है, ठीक है, ये दोनों जो है फ्यूज होंगे, ये दोनों जो है मेट करेंगे और क्या बनाएंगे, ये दोनों मेट करेंगे क्या, एक नया सेल नई जो है सेल फॉर्म करेंगे, और इसके बाद म्यूसिस होगी, और म्यूसिस के बाद फ्रूटिंग बॉडी या नया फंगस बनेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इन्होंने बोला दो हैप्लोइड हाइपे जब मेट करेंगे एंड फ्यूज करेंगे, ठीक है, अब कह रहा कुछ फंजाई के अंदर द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लोइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डाइप्लोइड सेल हाउएवर इन फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अब कह रहा है कि कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है कि जो दो हैप्लोइड सेल है, ये एक हैप्लोइड सेल है और एक ये हैप्लोइड सेल है, ठीक है, ये दोनों हैप्लोइड सेल है, इनके अंदर का न्यूक्लियस जब ये दोनों मिलके एक नए सेल बनाएंगी 2n जो कि डाइप्लोइड सेल होगी, इमीडिएटली मतलब तुरंत, जैसे इन्होंने हैप्लोइड सेल बनाई और ये एकदम से फ्यूज होके डाइप्लोइड सेल बना देगी। ठीक है, ये बोला गया है। अब कह रहा है कि कुछ फंजाई के अंदर दो हैप्लोइड सेल मिलके क्या बनाएगी, डाइप्लोइड सेल, 2n सेल यहां बना दी। ठीक है, हाउएवर इन अदर फंजाई, और कुछ अदर फंजाई जो है जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। इंटरवेनिंग का मतलब है बीच में, लिख लीजिए आप क्या, बीच में, बीच में डाइकैरियोटिक स्टेज आता है जिसमें क्या होता है, टू न्यूक्लियाई पर सेल होता है, एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। मतलब कहने का मतलब ये कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज ये मेंबर हैं, अभी आप पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये मेंबर है फंजाई के, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, ये दो सेल बना तो रही है, एक ये बना रही है एक ये बना रही है, इसमें तुरंत फ्यूजन नहीं होता है, इसके अंदर जो है ये एक सेल फ्यूज हुई प्लस एक सेल ये फ्यूज हुई। ठीक है, दो एन सेल जो है इन दोनों के अंदर, ये दोनों सेल जब इसके अंदर बनी, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हुआ, एक एन ये रहेगा एक एन ये रहेगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद तुरंत डाइप्लोइड सेल नहीं बनाएगा, कुछ देर बाद ये एक सेल फॉर्म करेगी, डाइप्लोइड सेल। ठीक है, डाइप्लोइड सेल, जबकि अभी हमने पढ़ा था कुछ फंजाई में क्या होता है कि एक एन सेल दोनों सेल तुरंत फ्यूज करके क्या बनाती है, डाइप्लोइड सेल, यही बोल रहा है। ठीक है, तो फंजाई के अंदर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में इंटरवेनिंग स्टेज आता है, इसमें बोला गया है दो न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर बनती है, जो कि मैंने आपको दिखाया, दो न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर बनी, और उन्होंने बोला ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज, और इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियन फेज, यानी डाइकैरियन फेज,
अभी आपको मैंने बताया था कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियन या कैरियोसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस, अभी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस का फॉर्म होना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, डाइकैरियोटिक फेस किस में पाई जाती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इसलिए आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डाइप्लॉइड। अब कह रहा है कि इसके बाद जो है ये इनमें पेरेंटल न्यूक्लियाई, जो इन दोनों का न्यूक्लियाई जो है पेरेंट से जो निकला हुआ है फ्यूज होगा और एक डाइप्लॉइड सेल बनाएगी। ठीक है, यही बोला गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से आप समझते चलिए, हम समझाते समझ चलेंगे, आप वीडियो को पूरा एंड तक ऑनलाइन देखते चलिए। ठीक है, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। अब देखो डाइकैरियोटिक फेस के बाद इन्होंने क्या बोला, ये जो है इसके अंदर मियोसिस होगी, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फिर न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, डाइकैरियोटिक फेस फ्यूज हुई, फिर अब मियोसिस होने के बाद इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे और एक टू एन सेल से चार स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर जो है प्रोड्यूस होकर लेटर क्या बनाएंगे, एक न्यू फंगस, ये स्पोर जो है आगे चलकर एक नया फंगस बनाएंगे, यही बोला गया है। ठीक है, द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है म्यूसिस के अंदर गई और उन्होंने क्या बनाया, हाइप्लोइड स्पोर, और ये स्पोर होंगे, ये स्पोर सारे क्या होंगे, हाइप्लोइड होंगे, एन होंगे, सारे स्पोर एन होंगे। ठीक है, स्पोर जो है हाइप्लोइड होंगे, समझ में आया। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम क्या था, माइसीलियम क्या था, जब बहुत सारे हाइपे जो है मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। आपको मैंने यहाँ पे बताया था जब बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेंगे हाइपे के मिलके वो बनाएगा माइसीलियम। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम इन वेरियस क्लासेस। तो वही बोला गया है कि माइसीलियम और स्पोर पहले फॉर्म होगा, फिर वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर से स्पोर निकलेगा, फिर उसमें क्या होगी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, म्यूसिस, ऐसे ही फिर वो नए स्पोर प्रोड्यूस होंगे, नया फंजाई प्रोड्यूस होगा, ऐसे चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे सबसे मेन और इससे क्वेश्चन आता है, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, और इन सबसे मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई हुई है फंजाई की, ताकि जिससे क्वेश्चंस आए हैं वो भी करवाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, सबसे पहली बात होती है फाइको का मतलब क्या होता है, फाइको का मतलब होता है एल्गे, एल्गे, फाइको का मतलब होता है एल्गे, और माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई, यानी फाइकोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एल्गी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है एल्गी पानी के अंदर, एक्वेटिक हैबिटेट में, अगर आपको सिर्फ टर्म याद है तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, एल्गी कहाँ पाई जाती है, एक्वेटिक हैबिटेट में, पानी के अंदर, चाहे वो खारा पानी हो चाहे वो मीठा पानी हो, एक्वेटिक का मतलब होता है। ठीक है, दूसरा कहाँ पाई जाती है, ऑन डिकिंग वुड, सड़े गले लकड़ियों पे काई जमती है एल्गी। ठीक है, तीसरा एल्गी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे नमी हो, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पे, ये तीन तो आपको पता लग जाएगा सिर्फ नाम से, फाइको का मतलब होता है एल्गी, एल्गी कहाँ पाई जाती है, पानी के अंदर, और कहाँ पाई जाती है, पेड़ों के ऊपर, और कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे नमी हो। ठीक है, फंजाई भी ऐसी पाई जाती है जहाँ पे नमी होती है। ठीक है, तो ये फंजाई है। अब देखो क्या बोल रहा है कि और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ये जो फाइकोमाइसिटीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिए कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये जो है ये फिक्स होते हैं, मतलब अगर जैसे हैं आप अगर चावल खा रहे हैं तो आप हमेशा चावल ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है एक ही चीज पे फिक्स होना, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट के ऊपर, प्लांट के ऊपर फिक्स रहते हैं। ठीक है, उनसे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। माइसीलियम इज एसेप्टेट, अभी मैंने आपको बताया था सेप्टेट और एसेप्टेट का मतलब, जो माइसीलियम है ये बहुत सारे फंजाई का जो हाइपे होते हैं इनको हमने माइसीलियम बोलते हैं, इनमें कोई सेल वॉल डिवीजन नहीं होती, ये एसेप्टेट होते हैं। आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और दूसरा एसेप्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं फंजाई है, फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है और वेजिटेटिव, तो इसमें पहले बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइकोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जू स्पोर से, अभी हमने पढ़ा था जू स्पोर, कोनिडियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर, तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर जू स्पोर से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको याद करना है।
और ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। या फिर इसके अंदर एप्लोनोस्पोर से होगा जो कि नॉन मोटाइल होगा। अभी हमने पढ़ा ये एक्वेटिक होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जू स्पोर के कारण इसके अंदर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या फिर एप्लेनोस्पोर के कारण। अगर जू स्पोर के कारण हुआ तो वो मोटाइल होगा, और एप्लोनोस्पोर के कारण हुआ तो नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। दिस स्पोरा एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, ये स्पोर्स जो है प्रोड्यूस होंगे एंडोजेनसली, एंडोजेनसली का मतलब होता है अंदर, ये सारे स्पोर जो है एक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, जिसको हमने बोला है स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोरेंजियम जनरली एक यूज वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पोर को बियर करने वाला सेल, वो स्पोरेंजियम कहलाता है, ठीक है। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, जैसे जाइगोट बनता है दो गैमेट के फ्यूजन से, वैसे ही दो गैमेट के फ्यूजन से इसमें जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक है। दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये गैमेट जो है अगर सिमिलर होगा मॉर्फोलॉजी में इसको आइसोगैमस बोलेंगे, अगर वो डिसिमिलर होगा एन आइसोगैमस, और उसको ऊगैमस बोलेंगे। आइसो एन आइसो ऊगैमस जो है इसका हम एलगी में बहुत अच्छे से बताएंगे, और आपको एक वीडियो दूंगा मैं शॉर्टकट ट्रिक की, वो कि जल्दी आने वाली है वो, कल परसों में वो वीडियो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आइसोगैमस का मतलब होता है जब दो, आइसो का मतलब होता है सेम, जब दो गैमेट जो है सेम हो, मतलब ये और ये दोनों गैमेट सेम है, दोनों मोटाइल होंगे तो दोनों में फ्लैजला होगी, अगर दोनों नॉन मोटाइल होंगे तो दोनों में फ्लैजला नहीं होंगे, दोनों दिखने में सेम हो। एन आइसो का मतलब होता है दोनों डिफरेंस हो दिखने में, और ऊ गैमेट्स का मतलब होता है एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, इससे क्वेश्चन आता है, मिक्योर राइजोपस एल्बुगो, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, क्या क्या बताई थी ट्रिक? ऑल मूर्ख, किसमें? फिजिक्स में ऑल मूर्ख, फिजिक्स में ऑल मूर्ख, फिजिक्स, फिजिक्स से क्या निकाल सकता हूँ मैं? फाइकोमाइसिटीज में ऑल, ऑल से क्या निकाल सकता हूँ? एल्बुगो। मूर्ख, MU से क्या निकाल सकता हूँ? मिक्योर। और आर के से क्या निकाल सकता हूँ? राइजोपस। तो आप याद कर सकते हैं ऐसे। अब एक चीज और देखनी है आपको कि एल्बुगो जो है पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे, और राइजोपस जो है ब्रेड के ऊपर, और ये चार्ट आपको याद करना है, ये फंजाई का, इससे क्वेश्चन आता आता है, आपको डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा ये बताइए इस फंगस का नाम क्या है, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एस्कोमाइसिटीज पे। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, सैक का मतलब होता है कि एक धागा या फिर चिपटा हुआ कोई स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं, फ्लैटेड स्ट्रक्चर को हम सैक बोलते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, इसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे याद रखें? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, SAC, SAC, सैक फंजाई कौन सी होती है? एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो इससे नीट में क्वेश्चन आया है, आप नीट मार्क कर लीजिए। इनके क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रिक वाली वीडियो में कराए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर पेनिसिलियम और लेली यूनिसेलुलर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी होती है? ईस्ट। मल्टीसेलुलर फंजाई कौन सी होती है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जो कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था। यहाँ पे ये सारा मैं आपको यहाँ पे बताते चला आया हूँ। ईस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ईस्ट क्या थी? यूनिसेलुलर फंजाई थी, और इसको सैक्रोमाइसिस सर्विकस बोलते हैं, इसका यूज़ होता है दारू शराब बनाने के लिए। मल्टीसेलुलर फंजाई कौन सी थी? पेनिसिलियम। तो ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट होती है, और मल्टीसेलुलर फंजाई पेनिसिलियम होती है। अब बात करते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पे इनका हैबिटेट है। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स और पैरासिटिक। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड और डीके ऑर्गेनिज्म या सोल्यूबल मैटर से अपना खाना लेते हैं, जमीन के अंदर डेड और डीके ऑर्गेनिज्म या उसकी मिट्टी के अंदर से अपना ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे? सेप्रोफिटिक, ठीक है। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब जमीन के अंदर सड़ा गला फूड को डिकम्पोज करेंगे। पैरासिटिक का मतलब होता है दूसरों को मार के खाएंगे, या दूसरों की बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करेंगे। कॉर्फोफिलस का मतलब होता है ये जो है उगते हैं गोबर के अंदर, गोबर, डंग का मतलब होता है गोबर के अंदर। एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई है ज़्यादातर पाई जाती हैं कॉर्फोफिलस डंग के अंदर। इससे क्वेश्चन आया था, आप इसको मार्क कर लीजिए, पेनिसिलियम को मार्क कर लीजिए, ईस्ट को मार्क कर लीजिए। ईस्ट को हम सैक्रोमाइसिस सर्विकस भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे पेज पे बढ़ते हैं, और ये डायग्राम आप याद कर लीजिए।
माइसीलियम इस ब्रांच एंड सेप्टेट, जो इसका माइसीलियम है जो कि मैंने आपको ये बताया था, इसमें ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा, सेल वॉल होगी और ये ब्रांच होगा, ठीक है। ए सेक्सुअल स्पोर जो है, इसके अंदर कोनिडिया स्पोर होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, स्पोर जो है इसका प्रोड्यूस होता है बाहर, दो तरीके का स्पोर प्रोड्यूस होता है, एक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, एक बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होगा। तो जो बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होता है तो उसको एक्सोजीनियसली बोलते हैं, और बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा तो उसको एंडोजीनियसली बोलते हैं, ठीक है। ऑन स्पेशल, इसमें एक स्पेशल माइसीलियम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोफोर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये बताइए कि स्पेशल माइसीलियम एस्कोमाइसिटीज का क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, कोनिडियोफोर होता है, ठीक है। कोनिडिया आर जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, ये तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंजाई में एसेक्सुअल सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कोनिडियोस्पोर से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, एस्कोस्पोर से, जो कि अभी आपने पढ़ा था पीछे, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली, इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हुआ, कोनिडियोस्पोर से, वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस हुआ बाहर की साइड एक्सोजीनियसली, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ किससे हुआ, एस्कोस्पोर से, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज है तो इसी का स्पोर इसने बनाया, एस्कोस्पोर, ठीक है। और ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, एंडोजीनियसली, बॉडी के अंदर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर बॉडी के अंदर ही होता है ना, तो इसलिए इन्होंने बोला, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इनसेक्ट लाइक एस्कस सिंगुलर, अगर देखो हम फंजाई को, अगर हम स्पोर्स को हम सिंगुलरली बोलेंगे एस्कस, ठीक है, और एस्काई बोलते हैं, ठीक है। दीज आर एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, ये सारे जो एस्काई है, ये सारे जो स्पोर्स हैं, वो अरेंज होंगे अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज में, ठीक है, ये बोला गया है। और इसको हम बोलेंगे एस्को काप, जब ये बोला है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, कोनिडियोस्पोर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एस्को स्पोर से, इसको हम सिंगल एस्कस बोलेंगे, और मल्टी सेलुलरली अगर सिंगल, इसको हम बोलेंगे एस्कस, और ग्रुप में हम एस्काई भी बोल सकते हैं। और ये सारे एस्काई जो है अलग अलग तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिससे स्पोर निकलेंगे, और ये सारे स्पोर प्रोड्यूस करेंगे क्या, एस्कोमाइसिटीज को। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ इसको आप हाईलाइट करिए, एस्परजेलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है, ये इससे क्वेश्चन आया था कि ये यूज़ होता है बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क के लिए, ये यूज़ होता है बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क के लिए। इन सब के जो है मैंने ट्रिक की वीडियो आपको याद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो नीट में आया था 2015 का शायद था क्वेश्चन, पूछा गया था कि मोरल एंड ट्रफल आर एडिबल आर कंसिडर एज डेलिकेशियस, तो ये कौन सी इसका एग्जाम्पल है, तो ये एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप नीट लिख लीजिए और यहाँ पे आप नीट लिख लीजिए। इन सबको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज सबकी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शॉर्टकट ट्रिक दे रखी है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, मेरी ट्रिक की वीडियो, और याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज, इससे क्वेश्चन तो पहला यही आया था, इसको हम किस नाम से जानते हैं, किसी भी फंजाई से पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, दूसरा वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तीसरा उसके अंदर स्पोर क्या है, चौथा उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस गोबर के अंदर पाई जाती हैं, तो और क्या क्या कैरेक्टर हैं, ठीक है। ये तो पहला, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को हम बोलते हैं क्या, मशरूम फंजाई। दूसरा हम क्या किस नाम से जानते हैं, ब्रैकेट फंजाई। तीसरा हम पफबॉल फंजाई के नाम से जानते हैं, और चौथा किस नाम से जानते हैं, बर्ड नेस्ट फंजाई, बर्ड नेस्ट फंजाई, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए, बी से आप याद कर सकते हैं, बर्ड नेस्ट फंजाई। दे ग्रो इन सोयल, बेसिडियोमाइसिटीज जो है ये फंगस जो है जमीन के ऊपर पाई जाती हैं, जमीन के अंदर उगती हैं, सोयल एंड लॉन्ग्स और सोयल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स एंड लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट की फॉर्म में। ये जो है फंजाई पेड़ के तने के ऊपर पाई जाती हैं, ये उगती हैं ट्री के स्टम्स के ऊपर, और ये लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर ये पैरासाइट की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वीट रस्ट, इससे क्वेश्चन आपको मैंने कराए थे, वीट रस्ट कौन काउज करता है, आपको याद भी हो गया होगा, पक्सीनिया। वीट रस्ट कौन काउज करता है, पक्सीनिया। तो ये इसमें जो एग्जाम्पल आता है रस्ट,
काउस करता है पक्सीनिया, इस मस्ट काउस करता है स्टिलागो, आपको नीचे दिखाएगा ठीक है। द माइसीलियम इस ब्रांच एंड सेप्टेट, जो इनका माइसीलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेट होता है, यही मैंने आपको बताया था। माइसीलियम इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगी ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, ए सेक्सुअल स्पोर आर नॉट जनरली फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखो इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा था बेसिड एस्कोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था कोनिडियोस्पोर से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था किससे, एस्कोस्पोर से, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में एक खासियत है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाएगा, यानी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो सकते हैं ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन से, सिर्फ ये वाला पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, और इसके अंदर जो है सेक्स ऑर्गन जो है एबसेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन एबसेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एंथ्रीडियम जैसे आपने पढ़ा है ये सारे ठीक है, एंथर एंथ्रीडियम ये उगोनियम, ये सारे सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है एबसेंट होते हैं, बट प्लाज्मो में गैमी इज ब्राउड बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल और डिफरेंट स्ट्रेंट ऑफ टाइप। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पहला बात आप ये नोट करिए, सेक्स ऑर्गन एबसेंट होते हैं ठीक है। दूसरी बात आप ये और नोट करिए कि सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है ठीक है, आप यहाँ पे नोट करके चलिए। तीसरा इसके अंदर जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके चलिए कि वीट रस्ट कौन काउस करता है, पक्सीनिया, स्मस्ट कौन काउस करता है, स्टिलागो। आगे हम पढ़ते हैं, इसके अंदर सिर्फ प्लाज्मोगैमी होता है, तीसरा पॉइंट ये भी था, प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी भी होगा अगर प्लाज्मोगैमी हो रहा है तो ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। द रिजल्ट स्ट्रक्चर इन डाइकैरियोटिक फेज, अभी आपने पढ़ा था डाइकैरियोटिक फेज क्या होता है, दो न्यूक्लियस का मिलना, जब दो न्यूक्लियस मिलेंगे तो क्या होगा, कैरियोगैमी कहलाएगा, उसके बाद मियोसिस होगा जो कि मैंने आपको अभी बताया था ठीक है। एंड प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर, वही स्ट्रक्चर जो अभी आपको मैंने बताया था ये वाला, ये सारा वही बता रहा है कि चार बेसिडियोस्पोर बनेगा। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी फ्यूज होगा, प्लाज्मो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, फिर दूसरा जो है न्यूक्लियस का फ्यूज होगा, तीसरा न्यूक्लियस फ्यूज, सबसे पहले क्या था, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस फ्यूज होगा, न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, एक डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस से चार जो है क्या बनाएगा, बेसिडियोस्पोर। वही इसने बोला है कि ये जो है फ्यूजन होने के बाद चार बेसिडियोस्पोर बनाएगा, यही बोला है ठीक है। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, मैंने आपको बताया था कि बेसिडियोस्पोर इसमें क्या था, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा ठीक है, ये आपको याद करना है। अब देखो प्लूलर, इसको हम बोलेंगे बेसिडिया, बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियो कार्प, जब ये सारे जो स्पोर है बेसिडिया ये फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्म में अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प, इसको हमने क्या बोला, बेसिडियो कार्प। कुछ एग्जाम्पल्स इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करना है। कुछ मेंबर है इसके, एगेरिकस, एगेरिकस क्या होता है, मशरूम, ये आपको याद करना है, क्वेश्चन नीट में आया था, एगेरिकस का दूसरा नाम क्या है, मशरूम। वीट रस्ट का मैंने आपको क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे, वीट रस्ट कौन काउस करता है, वीट रस्ट कौन काउस करता है, पक्सीनिया, और स्मस्ट कौन काउस करता है, स्टिलागो। इन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं और इसका मैंने ट्रिक के साथ क्वेश्चन कराया है, आपको ट्रिक वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा लिंक ठीक है। लास्ट मेंबर जो है ड्यूट्रोमाइसिटिस आता है फंगाई के अंदर, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटिस, ड्यूट्रो का मतलब होता है इम्परफेक्ट फंजाई ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस ये फंजाई का मेंबर है। सबसे पहला क्वेश्चन जो नीट में आया था, इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, पहला पॉइंट ये है कि इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ फंजाई पाई जाती है, मतलब इसमें सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इस फंजाई के अंदर, या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट फंजाई वो होती है जिसमें ए सेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल तीनों रिप्रोडक्शन पाया जाए ठीक है। जब सेक्सुअल फॉर्म होगा, तो अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी आगे फ्यूचर में डिस्कवर किया जाएगा, तो इसको हम मूव कर देंगे किसमें, या तो एस्कोमाइसिटीज में मूव कर देंगे ठीक है, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज के अंदर पाया जाता है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है, ये बोला गया है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इस फंजाई में डिस्कवर होगा, दे वर मूव इन टू क्लास
दे राइटली बिलोंग टू, जो इस क्लास से बिलोंग कर पाएगा उसमें हम, जिसके कैरेक्टर इस क्लास से बिलोंग करेंगे उसके अंदर हम प्लेस कर देंगे, ये बोला गया है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल डेट एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, ये भी हम कर सकते हैं कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक ही नाम हम दे दें, क्योंकि दोनों तो एक ही तरीके का है। वीन गिवन वन नेम एंड प्लेस अंडर ड्यूट्रोमाइसिटीज, अगर आपसे पूछे एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज किस में पाई जाती है तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज में पाई जाती है एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज। अगर सिर्फ आपसे पूछे वेजिटेटिव फेज किस में पाई जाती है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे क्या, वेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। हैव बीन गिवन वन नेम, इतना समझ में आया। अब देखो इसमें बोला है कि अगर सेक्सुअल स्टेज आया तो इसको हम प्लेस कर देंगे हायर क्लास में। लेटर व्हेन लिंकेज वर एस्टेब्लिश द फंजाई वर कलेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव आउट ड्यूट्रोमाइसिटीज, बोला है अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर कुछ ऐसी स्पीसीज आई जिसका जो है रिलेशन होगा एस्कोमाइसिटीज से, तो हम इसको एस्कोमाइसिटीज में भेज देंगे। मतलब अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर धीरे धीरे इन्होंने इवॉल्वमेंट करके अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करने लग गए तो हम उस वाली कैटेगरी को, वहाँ के जो सारी कैटेगरी है हम बोल देंगे वो एस्कोमाइसिटीज का पार्ट है, ठीक है, हम भेज देंगे एस्कोमाइसिटीज में। अभी इस पे रिसर्च चल रही है, ठीक है। अब यही बोला है वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज डिस्कवर करा तो हमने भेज दिया इसको एस्कोमाइसिटीज में, अब वेसिडियोमाइसिटीज में भेज देंगे, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, अब देखो ड्यूट्रोमाइसिटीज सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसमें एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है, कोनिडिया स्पोर, ठीक है। माइसीलियम क्या होता है, इसका सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच का मतलब क्या होता है, ये जो है हाइपे के अंदर ये जो है इसमें सेल वॉल होगी, ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ मेंबर जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज के सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में भी हमने पढ़ा था कि कुछ मेंबर जो है तो सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है इस दोनों से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन कौन से मेंबर जो है सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं, किस किस के, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज के। इसमें देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर, ये नीट के अंदर आया था 2015-16 का क्वेश्चन आया था कि ये बताइए ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर लार्ज अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, तो डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं जो लीटर को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया था इसका, अल्टरनेरिया कोलिट्रिकम ट्राइकोडर्मा, ये तीन एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ड्यू ड्यू इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट कॉल ट्राई करिए, तो इसका जो ट्रिक है उसकी वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम आपको अगली वीडियो के अंदर प्लांट और एनिमल किंगडम बताएंगे और वायरस वायरेट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।